गर्मी कितनी है? बहुत गर्मी है। चल पार्क स्ट्रीट चल। पार्क स्ट्रीट चलो, फिलहाल अभी चल रहे घूमने, तो ये अलग ब्लॉग में आएगा घूमने घामने वाला। तो यही था हमारा आज का जेड एस आई का ब्लॉग। सो हे वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो आजकल क्या हो रहा है कि अपन लोग एक ही दिन में दो दो तीन तीन ब्लॉग भी शूट कर रहे हैं। तो भैया कपड़ों पे कमेंट मत करना कि सेम आ रहे हैं यार कपड़ों में। तो कुछ हम ड्रेस में भी जाते हैं तो मोस्टली व्हाइट टी शर्ट में, मतलब व्हाइट शर्ट में ही जाता हूँ। प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल भैया। आज है लास्ट सेकेंड डे, तो अपन निकले हैं थोड़ा सा घूमने। आ चुके हैं कैबमैन भी, सेकेंड पार्टिसिपेंट विद अस जो कि हमारे पीछे बैठे हैं। तो सर और हम जा रहे हैं फिलहाल पार्क स्ट्रीट। सुना कि वहाँ पर मतलब अच्छा खासा अच्छा हो रहा है, चिल करने के लिए, रिफ्रेश होने के लिए भी बढ़िया जगह है। और ये भी दिखा दी, पीछे साइड में तो लाइक भाई जो वेजिटेरियन ना, हार्डकोर वेजिटेरियन, उनको यहाँ पर आके मामला समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इधर लाइक नॉन वेज इज नॉट दैट मच नॉन वेज। यहाँ मतलब लोकल लोगों के लिए नॉन वेज इज वेज। इधर फिश ईटिंग इज लाइक वेरी कॉमन प्रैक्टिस। तो लोग पीछे जो हमारे लोग बैठे हैं, ये वाइल्ड लाइफ वाले, भी उनको लगता है कि सही नहीं है। बट फिर तो अब सब जगह की अलग अलग कस्टम्स होते हैं, लेट इट बी, नो कॉमेंट्स ऑन दैट। फिलहाल हम जा रहे हैं और यहाँ पर लगा रखा है मैप, तो वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज के नज़ारे। यार बड़ा दुख हो रहा है कि मैं कलकत्ता आऊँगा, सावन और मैं यार नॉन वेज नहीं खा। ओके, लेट मी टेल स्टोरी टेलिंग टाइम। सो टुडे ही लेफ्ट, प्रॉब्ली दैट विल बी अनदर व्लॉग और आई डोंट नो वीडियो। या श्योरली इट विल बी अ व्लॉग। सो या कमिंग बैक टू द पॉइंट, ही लेफ्ट इन द मिडल ऑफ द सेशन एंड देन he came back and I could smell that he ate something which is non-veg. And he also, he was trying to tell me that, you know, I only had that chole bhature or chole roti, blah, 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 but I was able to smell it. तो भैया हमारी बहन जी हैं कुछ ज़्यादा ही शार्लक होम्स, तो कुछ कहेंगे नहीं, तो पता लगा दिवाली बन जाए मेरी। लेकिन मैं दिवाली बनवाना नहीं चाह रहा, लेकिन हाँ मैंने कुछ ऐसा खा, अरे यार ऐसा 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 खतरा है पंगा नहीं लेने का, नहीं रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो भैया मैं गया वहाँ पर एंड लाइक इट वाज समथिंग मेमोरियल फॉर मी, कुछ मेमोरीज हैं उधर की। अब बाय चांस मैं उधर का व्लॉग डालूंगा या नहीं डालूंगा, आई डोंट नो, जरूर डालेगा, आई कैन टेल यू दैट। हाँ अगर भाई ऐसे गलत गलत इल्जाम लगते रहे मेरे पर कि भाई नॉन वेज खा के आया, ये खा के आया था। नहीं खा के आया भाई, नहीं खा के आया, तू खा के आया था। फिलहाल यहाँ पर लगता है कुछ रास्ता अच्छा है, क्योंकि यार काफ़ी कंजेशन लग रहा है पूरे मुझे कलकत्ता में। लोग बाग अच्छा खासा भर के चलते हैं। वाह एस टी, आई एम सीइंग इट आफ्टर लॉन्ग टाइम। नंबर प्लेट जरूर दिखाइयो तू, सीरियसली। अरे यार अपनी साइड तो बंद हो गई ना सब। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर है कि अपने साइड से लोग बाग एक्सपेंसिव लग्जरी कार्स ला कर जो 10-10 साल से ऊपर वाली हैं, खूब मस्त चला रहे हैं एंड समझ जाओ माहौल। अगर उनकी अगर वैसे कॉस्ट लगाई जाए तो इट मोस्ट बी लाइक इजीली, लाइक मैंने देखा कि 10 मॉडल 2010 मॉडल BMs, 2012 मॉडल ऑडीज, Q7, मतलब पब्लिक अभी चला रही है यहाँ। वो UP 16 नंबर 26 नंबर, मतलब HR 26 गुड़गांव की सारी गाड़ियाँ आई हैं। अब भाई अब ग्रे मार्केट, कुछ गाड़ी मैंने देखी वो ग्रे मार्केट वाली थी, कैसे पता लगा? आई जस्ट चेक द नंबर। टू मच इनटू द डिटेल्स प्लीज, छोड़ो टॉपिक चेंज, शट अप नाउ। भाई मैं अपने आप को रोस्ट कराने के लिए लेके आया। ब्राउनी ब्रदर्स राइट नाउ एंड सर इज बिजी अगेन। ऑफिस वाले लोगों की क्या ही कहें, ऑफिस वाले लोग बिजी रहते हैं, काम धंधे ज़्यादा करते हैं। तो फिलहाल इट्स टू क्राउडेड एंड काफ़ी बातचीत भी लोगों की हो रही है ना, अच्छी खासी आवाज़ें हो रही हैं। तो राइट नाउ वी आर इन फ्लरीज एंड वी आर कौन सा है, पार्क स्ट्रीट।
सो दिस पार्क्सी इज इक्वल टू लाइक सीपी, अपना दिल्ली वाला सीपी, बट अभी यहाँ पर इसका नाम सुना लाइक फ्लरीज का, काफ़ी पुराना यहाँ पर, लाइक इट वॉज 1927, मतलब इवन बिफोर हमारे देश के आज़ाद होने से भी पहले का। तो भैया सोचा कि ट्राई करते हैं, जस्ट चाय हैं तो क्या फ़ायदा, एक जगह ही बैठकर अच्छा पूरा पेट भरें। तो वी आर जस्ट ट्राइंग एवरीथिंग फ्रॉम मेनी प्लेसेस, तो पहले भी हम यहाँ पहन फिलहाल लेट्स एंजॉय एंड फिर मिलते हैं, फिर से बाहर निकल के और एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं। एगलेस ब्राउन, एगलेस ब्राउन, अच्छा अच्छा। It's good. Now, so now I'm going to try this. हाथ से ही करते हैं क्योंकि भाई पास अच्छा वर्थ है लिटरली। पास फ्लरी से बाहर एंड इट वॉज सच सॉर्ट ऑफ अ गुड एक्सपीरियंस, लेट्स गो। ओके एंड दीदी वाला दीदी है, सो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ, मतलब एक्सप्लोर करा जाए, अभी इस वाली स्ट्रीट पर घूम के आते हैं, देखते हैं कुछ काम का दिखता है निकता है। मतलब फ्लरीज तो सही था, अच्छा था, लेकिन नॉट दैट मतलब बहुत बेस्ट। बस चलो अभी चल रहे हैं इधर साइड, देखते हैं, काफ़ी क्राउडेड सा लग रहा है इधर भी, तो लेट्स सी कुछ क्या क्या है, क्लब है क्या है, तब देखते कहीं तो चलते हैं यार, बोर हो जाएंगे इससे तो। लेट्स गो। पासपोर्ट और हमारा बहुत गंदा वाला मेरा कटा है, हालांकि कुछ मज़ा ही नहीं आया, जिस रेस्टोरेंट में जाओ वही फुल चला है। ओके और नाउ एक ही सहारा स्टारबक्स हमारा। तो भाई लोग अभी अपन आ चुके हैं स्टारबक्स में, मैं पूरी की पूरी पासपोर्ट ढूंढ लिया एंड लिटरली भाई एक्सपेक्टेशन की मां बहन हो चुकी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता यार बस मतलब पासपोर्ट मेरे को समझ नहीं आया पूरा का पूरा पार्क स्ट्रीट यार, मतलब इट इज़ टोटली मतलब एक अच्छे नो डाउट बहुत अच्छे लेवल के और अच्छे स्टैंडर्ड वाले यहाँ पर रेस्टोरेंट हैं, बट थिंग इज़ दैट कि मोस्टली जो हैं सब बार्स हैं, तो एंड मैं बार वगैरह जाता नहीं, न क्लब मतलब पब वगैरह में भाई मैं मूड नहीं थक गया और मैं बाहर जाता नहीं हूँ, एंड मेनली एंड बेसिकली है मतलब लाइक नॉन वेज वेज एंड And I don't eat that stuff. मतलब बिल्कुल बाहर शांति नहीं थी, तो मुझे एक जगह दिखी अपनी एज ऑलवेज चलने वाली ये स्टारबक्स। सो भैया वापस आके स्टारबक्स बैठ चुके हैं, यहाँ थोड़ा अच्छा म्यूज़िक बज रहा है, थोड़ी शांति है, तो एटलीस्ट कस बता रहा हूँ भाई जो बाहर घूमते घूमते ना सर दर्द हो रहा था वो नहीं हो रहा, क्योंकि बाहर कोई जगह मुझे ऐसी लाइक कोई दिखी ही नहीं कि जहाँ पर मैं थोड़ा चिल मार सकूँ यार, थोड़ा रेस्ट करता हूँ, पूरा दिन एक्टिव होता थक जाते हैं। फिलहाल आई एम एंजॉइंग माई कॉफ़ी लिटल या इस ट्रिप पर ना मेरे को तो स्टारबक्स कुछ ज़्यादा ही जा रहा हूँ, मैं हर बार स्टारबक्स जाके बैठ जाता हूँ, लेकिन मस्त है यार सीरियसली, काफ़ी शांति है और आराम से बैठे हुए हैं, तो मैं क्या यार यहाँ पे कोई सिनेमैटिक स्टॉप को दिखा नहीं सकता, बट हाँ इट्स अमेजिंग। आई एम ऑन राइट नाउ स्टारबक्स पार्क स्ट्रीट कलकत्ता, एंजॉइंग माई कॉफ़ी, एंजॉइंग माई कॉफ़ी, कॉफ़ी कौन सी है, समथिंग लाइक मोका कुकी क्रम्बल फैपचिनो। भाई अपन भी देसी हैं, मैं तो डायरेक्ट बोला कि भाई जो भी तुम्हारा बेस्ट सीन में चल रहा हो अच्छा था कुछ मुझे बताओ वो ट्राई करता हूँ, एंड ही टोल्ड मी दिस सो आई एम ट्राइंग दिस। काफ़ी ठंडा है और बढ़िया है, तो थोड़ी देर यहाँ वेट करते हैं एंड मैं इस वाले ब्लॉग को ही एंड कर रहा हूँ। मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि बहुत अच्छा ब्लॉग बनेगा ये, लाइक इतना फेमस है, सब कह रहे कि लाइक इट इज़ कलकत्ता दिल्ली वाला सीपी की टक्कर का ही यहाँ का,
कलकत्ता का सीपी कह लो इसे, बट माई एक्सपेक्टेशन गॉस वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। एक्सपेक्टेशन की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं और अभी मैं एक कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ, फिर निकलते हैं यहाँ से, घर को निकलते हैं क्योंकि भाई थक गए हैं बुरे वाले वक्स, मतलब वहाँ वहाँ से निकलने के बाद रेड साइज निकलने के बाद में यहाँ निकालने का टाइम निकाला बड़ी मुश्किल से, एंड नाउ लिटरली आई एम, सो आई एम एंडिंग दिस व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरे व्लॉग में।